गाइस काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी एक ही टॉपिक पे कि आपका मंदिर टूर दिखाओ आपका मंदिर टूर दिखाओ दोनों भी चैनल पे एक ही रिक्वेस्ट कि आपको मंदिर टूर दिखाओ सबसे ज्यादा अभी फिलहाल मैंने जब रिनोवेशन किया था उसके बाद जो रिक्वेस्ट आई होगी वो मंदिर टूर के लिए आई थी तो फाइनली मैंने सोच लिया कि आपके साथ मेरा मंदिर टूर आज शेयर कर देती हूँ काफी दिनों से आप वेट कर रहे थे यार उसके लिए सो सॉरी बट आज फाइनली आपको मेरा मंदिर देखने के लिए मिलेगा कैसा है क्या है मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है मतलब जो ड्रॉस है वो कैसे ऑर्गेनाइज किए है कौन सी चीज कहाँ पे रखी है और और भगवान जी मंदिर में कैसे रखने चाहिए कौन सी चीज कहाँ पे रखनी चाहिए सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं अगर आपको मेरा मंदिर पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उनको भी अगर ऐसा मंदिर बनाना हो या उनको भी हेल्प मिल जाए इस वीडियो से थोड़ी सी अगर आपको हेल्प मिल गई ना इस वीडियो से तो मुझे लगेगा कि हाँ चलो मैंने कुछ अच्छा काम कर दिया है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और आपको सब कुछ इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा कि मैं कैसे कैसे अपने मंदिर को सजाया है मैंने एक्चुअली मैंने अभी इतना ज्यादा अच्छे से मंदिर सजाया नहीं है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और मेरा रिनोवेशन के बाद इतना टाइम नहीं मिला मुझे कि अच्छे से मंदिर को सजा पाओ और कुछ चीजें मुझे परचेस भी करनी है मंदिर के लिए कुछ चीजें मैंने ऑर्डर कर दी है ऑनलाइन तो वो आनी बाकी है क्योंकि लॉकडाउन है इसीलिए और कुछ चीजें जो परचेज करनी है मार्केट नहीं जा रही हूँ उसकी वजह से आप

तो अभी अभी मेरी पूजा हुई है पूजा खत्म करने के बाद मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ मंदिर टूर तो चलिए मंदिर टूर देख लेते हैं तो गाइज ये है मेरा मंदिर और इसे ना इस तरह से ग्लास के डोर्स है ग्लास के डोर अगर आप ओपन करते हो तो इस तरह से मेरा मंदिर आपको दिखेगा अंदर से और इसमें मैंने दो स्टेप्स रखी है और यहाँ पर कुछ इस तरह से जगह रखी है जहाँ पर मैंने एक शाइनी सा कपड़ा बिछाया है तो ये जो सेकंड स्टेप है यहाँ पर आपको बता देती हूँ क्या रखा है तो यहाँ पर है एक कछुआ रखा है जो शुभ माना जाता है उसके बाद यहाँ पर फोटोज़ है जो मेरे ससुराल वाले जिन जिन को मानते हैं उन्होंने मुझे यहाँ पर ला के दिए हैं तो वो मैंने वहाँ पर रखे हैं और ये ये पीतल की प्लेट रखी है जहाँ पर मैं प्रसाद रखती हूँ उसके साइड में पानी के लिए रखा है तो बस ये फ़ोटोज़ है सेकेंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप में आता है तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने एक लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी है जो मिट्टी की मूर्ति होती है वो रखी है दिवाली के टाइम पे मैं उसे पूजा में रखती हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पर साइड में ग्लास रखा है जिसमें मैं पानी रखती हूँ भगवान जी के लिए उसके बाद मैंने यहाँ पर एक ये छोटा सा पीतल का मंदिर है जिसमें मैं अपने भगवान जी रखती हूँ और इसके नीचे छोटी सी एक प्लेट रखी है जो कॉपर की है और कॉपर के ही पैर रखे हैं मतलब पादुका जो बोलते हैं वो रखी है अब ये छोटे से पीतल के मंदिर में मैंने कौन कौन से भगवान जी रखे हैं वो दिखा देती हूँ आपको बीच में मैंने रखे है गणपति जी तो यहाँ पर छोटे से भी गणपति मेरे पास है गणेशा छोटे से गणेशा है मेरे पास वो उनके सामने रखे हैं और बड़े उनके पीछे रखे हैं गणेश जी को हमें हमेशा बीच में रखना चाहिए और उनके लेफ्ट हैंड साइड में हमें स्त्री देवता रखने चाहिए और उनके राइट हैंड साइड में हमें पुरुष देवता रखनी चाहिए जैसे कि हमारे राइट हैंड साइड में स्त्री देवता और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में पुरुष देवता तो ऐसे हमें रखने चाहिए और जो पिंड है मतलब शंकर भगवान की जो पिंड है वो हमें उत्तर दिशा में मुँह करके रखनी चाहिए और जो भी आपके पास यंत्र है जैसे कि शनि यंत्र है मेरे पास तो वो हमें दक्षिण दिशा के तरफ मुँह करके रखना चाहिए तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पर फॉलो की है और अपने भगवान यहाँ पर रखे हैं उसके बाद मैंने यहाँ पर तुर्जापुर की भवानी का फोटो रखा है जो हम लोग बहुत ज्यादा मानते हैं जिन्हें मतलब हमारी जो कुल देवता है वो है वो और उसके बाद मैंने यहाँ पर अन्नपूर्णा माता की मूर्ति रखी है जो मैंने चावल में रखी है मैंने एक कटोरी में चावल लिए है उसके अंदर अन्नपूर्णा माता की मूर्ति बिठाई है और उसके बाद मैंने ये गाय और बछड़े की मूर्ति रखी है जो मुझे दिवाली के टाइम पे बारस के दिन काम आती है गाय और बछड़े की बारस के दिन पूजा की जाती है तो उस टाइम मैं इनकी पूजा करती हूँ और डेली भी इनकी पूजा होती है और उसके साइड में मैंने एक घंटी रखी है छोटी सी उसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पर मैंने एक झूले में कृष्ण भगवान को रखा है उनको कपड़े वगैरह पहना के उनको मुकुट वगैरह उनका साज पूरा पहना के ये कृष्ण भगवान मेरे यहाँ पर रखे हैं इनके ऊपर मैंने एक गणपति की मूर्ति रखी है और उनके पीछे मैंने एक शो बाबा का छोटा सा फोटो रखा है जो मेरी मम्मी ने मुझे लाके दिया था शो बाबा को मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा मानती है यहाँ पर ये सीएनसी है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी ये है शंख जो इन्होंने वाराणसी से लाया था और उसके नीचे है एक छोटी सी ग्लास की प्लेट जो मैंने ऐसे ही शो के लिए रखी है शंख में पानी डाल के रखा है अगर आपके घर में शंख है तो उसमें पानी डाल के रखिए बिना पानी के शंख को मत रखिए है यहाँ पर मैंने अगेन गणपति की मूर्ति रखी है जो मुझे शादी में मिली थी और तब से मैं ये गणपति की मूर्ति अपने मंदिर में रखती आ रही हूँ और उनके साइड में मैंने दक्षिण दिशा तरफ की तरफ मुँह करके ये हनुमान जी की मूर्ति रखी है जिनकी पूजा मेरे हस्बैंड करते हैं उसके नीचे ये उत्तरण है तो इसमें मैंने कुछ पैसे रखे हैं जैसे कॉइन्स वगैरह रखे हैं सब कुछ मतलब कॉइन ही भरे हुए हैं उसमें पैसे भरे हुए हैं आप चाहो तो आप अनाज भी भर सकते हो अलग अलग तरह के और यहाँ पर मैंने एक समय रखी है उसके ऊपर बड़ा सा दिया रखा है जो 24 घंटे हम लोग जलाते हैं मतलब ये अखंड ये ही हम लोग जलाते हैं जब भी बुझ जाता है हम इसमें तेल डाल के और दोबारा से जलाते हैं बट ये दिए हमेशा जलता रहता है इसमें तेल हम लोग डालते रहते हैं तो ये इस तरह से मेरा मंदिर आपको दिखेगा अगर आप देखोगे तो दूर से और ये एक्रेलिक की शीट है जिसमें गणपति है उनके आजू बाजू में स्वस्ती कर ओम है जो हमको चाहिए था वो हमने उन्हें बोला और उन्होंने वो कटवा के दी दी डिज़ाइन हमें और उसके पीछे हमने लाइटिंग स्ट्रिप लगवाई है तो इसी वजह से वो शाइन करती है और यहाँ पर मैं इस तरह से डेली के लिए ये थाली रखती हूँ पूजा की और उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे ये अगर हम लोग खींचते हैं तो ये इस तरह से खींचा जाएगा और इसके ऊपर आप कोई भी पूजा रख सकते हो जैसे कि हम लोगों ने स्पेशली ये दिवाली की पूजा के लिए बनवाया था तो यहाँ पर हम लोग दिवाली की पूजा रखते हैं और जब इसका काम हो जाता है तो इसे हम लोग अंदर ढकल देते हैं तो बस इस तरह से ये हम लोगों ने बनवाया है अगर आप मंदिर बनवाना चाहते हो तो इस तरह का पक्का बनाना बहुत काम में आता है उस तरह से ये है और उसके बाद हम लोग इसे छोटा करते हैं तो यहाँ पर हम लोग डेली का जो भगवान को भोग लगाते हैं वो थाली रखते हैं और उसके बाद यहाँ पर ग्लास रख देते हैं तो इस तरह से हमारा भोग के लिए भी ये काम में आ जाता है तो ये बहुत काम में आएगा अगर आप मंदिर बनवा रहे हो तो इसका ध्यान जरूर रखना ये काम में आ सकता है आपके अगर आपको पसंद आया हो तो ये जरूर बनवाना उसके बाद नीचे एक ड्रॉर है दो ड्रॉर रखे हैं हमने ऊपर के ड्रॉर में क्या क्या है वो आपको दिखा देती हूँ ये मैंने अपनी तरह से ऑर्गेनाइज किया है ड्रॉर जैसे कि मुझे ढूंढना ना पड़े जो भी चीजें मुझे चाहिए वो मेरे आंखों के सामने दिख जाए मुझे कोई भी चीज ढूंढनी ना पड़े तो ये एक जैसे मैंने तीन डिब्बे रखे हैं जिसमें मैंने बातिया रखी है यहाँ पर मैंने सिंपल वाली बात ही रखी है जो दिए में लगती है उसके बाद मैंने ये वस्त्रमाला रखी है बीच वाले में तीसरे डिब्बे में जो है वो मैंने ये घी में भिगो के फुलवात रखी है जब भी मुझे फुलवात लगानी होती है तो मैं इसमें से ले लेती हूँ मुझे ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है यहाँ पर मैंने वो गढ़ी वाला कपूर रखा है उसके बाद ये जो है यहाँ पर मैंने हल्दी कुमकुम भगवान को लगाने के लिए ये रखा है उसके बाद इस वाले डिब्बे में मैंने सुपारी हल्दी स्टिक और कुछ बादाम रखे हैं और कुछ कॉइन्स भी रखे हैं इसमें जो मुझे बड़ी पूजा के टाइम पे काम में आता है इसमें राड़ रखी है जो हवन के काम में आती है उसके बाद यहाँ पर ये मिश्री रखी है उसके बाद ये जो स्टील वाली डिब्बी है इसमें मैंने चीनी रखी है जो प्रसाद के लिए काम में आती है उसके बाद मैंने ये छोटे से कंटेनर में ऑयल रखा है जो दिए के लिए लगता है डेली दिए के लिए उधर नहीं जाना पड़ता यहाँ से ही ऑयल ले लो और दिए में डाल दो और उसके बाद यहाँ पर भी मैंने जो घी में भिगोई हुई फुलवात है वो रखी थी और उसके बाद यहाँ पर एक हैंकी रखा है जब मैं भगवान जी को नहलाती हूँ उसके बाद उन्हें पहुँचने के लिए और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक घी का छोटा सा कंटेनर रखा है उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कपूर का कंटेनर रखा है उसके पीछे जो डिब्बिया है ना तो वो भी उसमें क्या है वो भी आपको दिखा देती हूँ उसके पीछे है गुलाल कुमकुम -कुम, हल्दी आ, सेंदूर और उसके बाद अष्टगंध ये है और उसके बाद जो साइड में डिब्बी दिख रही है उसमें मैंने अक्षित बना के रखी है जो चावल को मैंने थोड़ा सा कुमकुम लगा के यहाँ पर रख दिया है जो मुझे पूजा में काम आती है उसके बाद मैंने जो यहाँ पर रखा है वो एक टोकरी रखी है मतलब दो टोकरियाँ रखी है रेड वाली उसके ऊपर मैंने एक ये छोटा सा लोटा रखा है जो कॉपर का है और ये जो टोकरियाँ है ये फूल तोड़ने के काम आती है और ये कॉपर का लोटा भगवान को नहलाने के काम आता है और तुलसी को पानी देने के काम आता है उसके बाद जो पीछे दिख रहा है उसमें कुमकुम है उसके बाद यहाँ पर माचिस रखी है जो काम में आती है दिया जलाने के और उसके बाद यहाँ पर कुछ आरती वगैरह के लिए और कुछ ग्रंथ है और यहाँ पर मैंने इसमें रखे हैं अपने अगरबत्ती अगरबत्ती स्टिक्स रखे हैं यहाँ पर इसमें और मतलब अगरबत्ती का पैकेट हम लोग खोल देते हैं उसके बाद स्मेल चली जाती है उसकी इसी वजह से इसमें रखती हूँ उसके बाद ये अगरबत्ती का स्टैंड रखा है साइड में और ये तीन कंटेनर्स है जो आपने देख ही लिए है पहले तो ये हो गया फर्स्ट ड्रॉर अभी सेकेंड डॉर देखते हैं तो सेकेंड ड्रॉर में क्या क्या है वो दिखा देती हूँ आपको सेकेंड ड्रॉर में मैंने सबसे पहले यहाँ पर कोने में रखी है ये धूप बत्ती सारी धूप बत्ती है मतलब अलग अलग तरह की अलग अलग वैरायटी की तो यहाँ पर मैंने धूप बत्ती रखी है उसके बाद यहाँ पर मैंने सारी अगरबत्ती के पैकेट्स रखे हैं जो इनको पसंद है ये बहुत सारे पैकेट्स लेके आते हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है अगरबत्ती जलाना और उसका फ्रेगरेंस भी बहुत ज़्यादा पसंद है अलग अलग फ्रेगरेंस में ये सारे पैकेट्स हैं तो इन्हें काफ़ी ज्यादा अच्छे लगते हैं तो ये एक्स्ट्रा पैकेट्स मैंने यहाँ पर रख दिए हैं और यहाँ पर भी मैंने सुपारी और वो हल्दी स्टिक्स वगैरह रखी है जो मेरे पूजा के काम आती है एक्स्ट्रा वाली उसके बाद यहाँ पर मौली और धागा वगैरह और उसके बाद ये कॉटन वगैरह रखा है जब भी मुझे कुछ ज़रूरत हो तो वो काम में आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर ये नया वाला दिया है जो मैंने अभी तक यूज नहीं किया है और उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ सामान रखा है जो पीतल का सामान है मेरा भगवान के काम आता है वो और मतलब पूजा वगैरह होती है बड़ी पूजा होती है उसके काम आता है ये तीन प्लेट है मेरे पास जो आरती की थाली बोलते हैं वो है उसके बाद बहुत सारे दिए है ग्लास है पंच आरती वगैरह उसमें है और उसके बाद ये एक लोटा है जो कलश के काम आता है उसके बाद यहाँ पर ये हल्दी कुमकुम के लिए सब कुछ है और एक्स्ट्रा वाले और उसके बाद ये नया वाला है हल्दी कुमकुम के लिए जो मैं अभी नेक्स्ट हल्दी कुमकुम को यूज़ करूँगी ये अभी तक यूज़ नहीं किया है मैंने नया ही है इसी वजह से और उसके बाद यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये ओरिजिनल चंदन का टुकड़ा है उसके बाद ये जो कपड़े है ये मेरे चौरंग पे रखने के काम आते हैं उसके बाद ये जो है ये कृष्ण भगवान का एक्स्ट्रा वाला ड्रेस है ये मुकुट है बहुत ही प्यारा लगता है मुझे और उसके बाद ये ड्रेस है ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये मैंने यहाँ पर रखा है उसके बाद ये दो टोपियाँ रखी है दो तीन टोपियाँ है शायद ये तो ये रखी है मैंने ये अद्विक के और उसके पापा के लिए जब भी वो पूजा करते हैं उस टाइम काम में आती है तो यहाँ पर मैंने रखी है ये ओटी का सामान रखा है तो ये ओटी का सामान है जब मैं पूजा के टाइम पे यूज़ करती हूँ उसके बाद ये है अद्विक का टाड़ और ये सब कुछ यहाँ पे चीज़ें रखी है इसमें उसके बाद जो साइड में है ये हल्दी कुमकुम का है यहाँ पर इसमें आ, मैचिंग वाला स्पून भी है तो ये मुझे प्रसाद देने के काम आता है और ये हल्दी कुमकुम लगाने के काम आता है उसके नीचे मैंने ये रखी है अखंड जोत और उसमें मैंने एक क्या बोलते हैं सुई रखी है और एक धागा रखा है जो मेरी माला बनाने के काम आता है तो ये मैंने यहाँ पर रखा है जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इसमें से ले लेती हूँ उसके नीचे मैंने एक और आ, ओटी रखी है जो फुल ओटी है जिसमें एक भी चीज़ की कमी नहीं है जैसे कि आ, उसमें हैंकी है उसमें लिपस्टिक है उसमें सिंदूर है उसमें नेल पॉलिश है चूड़ी है आईना है और पाउडर है उसके बाद सोप सुपारी का डिब्बा है आ, सब कुछ है इसमें मतलब एक भी चीज़ की इसमें कमी नहीं है तो ये वाली ओटी मैं दिवाली को यूज़ करती हूँ तो ये वाली यहाँ पर रखी है उसके बाद हम लोग गणपति पूड़े गए थे तो वहाँ से प्रसाद आया था तो वो मैंने यहाँ पर रखा है और उसके नीचे भी ऐसी ही ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे कि वो हार वार में जो चमकी वाली चीज़ें डालते हैं उसमें वो है और यहाँ पर इस तरह से आपको ये ड्रॉअर देखने के लिए मिलेगा तो ये ड्रॉअर होता है क्लोज उसके साइड में हम लोग ये डोर खोलते हैं तो इसमें मैंने एक डस्टबिन रखी है छोटी सी एक ट्रे है तो वो साइड में हम लोगों ने हमारे कारपेंटर से बनवा के लिया था वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कभी और ये एक डस्टबिन है जिसमें हम लोग भगवान के उतारे हुए फूल रखते हैं ये मैं जमा करके रखती हूँ जब हम लोग गाँव में जाते हैं ना तो ये कुआ है वहाँ पर सूखा तो उसमें डाल देते हैं और ये डोर ओपन करते हैं तो इसमें मैंने सारी समय रखी है छोटे वाले दिए रखे हैं उसके बाद वो स्टैंड रखा है पीतल का उसके ऊपर जो लोटा देख रहे हो आप तो वो गणपति के टाइम पे काम आता है हमारे कलश रखने के लिए तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें रखी है तो ये जो डोर है वो हम लोग क्लोज करते हैं और मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी अभी इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज किया है अपने मंदिर के ड्रॉर को और इस तरह से अपने मंदिर को भी ऑर्गेनाइज किया है आई होप आपको पसंद आया होगा और ये मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ ये ज़रूर बनाना अपने मंदिर में बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके मंदिर में ये क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे काम भी बहुत ज़्यादा आ रहा है वो और यहाँ पर नीचे से हम लोग ऊपर तक देखते हैं तो इस तरह से मेरा मंदिर दिखता है और मुझे मेरा मंदिर बहुत ज़्यादा पसंद है आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आई होप गाइज आपको ये मेरा मंदिर टूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए अगर उनको भी नया मंदिर बनवाना है या ऑर्गेनाइज करना है तो उनको भी हेल्प मिल जाए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि आपको मंदिर कैसा लगा लाइक करने में आप बहुत कंजूसी करते हो तो लाइक जरूर कर देना इस चैनल पे मैं डेली ब्लॉग्स डालती हूँ तो इस चैनल के अलावा मेरे दो और चैनल हैं आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो उसका लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एक बार इंस्टा जरूर चेक कर लेना आपको वहां पर भी पसंद आने वाला है तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में टिल देन बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल बाय